हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज का जो वीडियो है, ये वीडियो हरियाणा सीईटी मेंस की जो हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज़ चल रही है उसका 35वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 34 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं जो कि आपको काफ़ी पसंद भी आए हैं और अच्छा रिस्पॉन्स जो है आपका हमें मिल रहा है। तो लगातार आपके लिए जो ये सीरीज़ है वो एग्ज़ाम तक चलाएँगे अगर आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहते हैं तो, ठीक है। और पिछली वीडियो की अगर आपने अभी तक PDF डाउनलोड नहीं की है या फिर उन वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट दे दी है, वहाँ से उन वीडियो को देख लीजिए। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी हमने डाल दिया है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें या फिर कूल बॉय कुलबीर लिख के टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, वहाँ पर हमारा ग्रुप आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए होते हैं और आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे इनमें तो उसका आंसर आप ज़रूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका आंसर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट नया जुड़ा है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ये वीडियो देखने के बाद, ठीक है, क्योंकि वीडियो आपको पसंद आएगी और आप तभी जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती तो आप इन्हें इग्नोर करके कहीं और आप जो है वो अपनी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। पसंद आए तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन लिंक का जो ऑप्शन आएगा उस पर भी क्लिक कर लें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। और जल्दी जल्दी आपके लिए अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, सारे जो टॉपिक हैं वो आपके कवर करवाए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करते, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस पेपर 35। पहला क्वेश्चन देखिए, थानेश्वर नगर किस प्रसिद्ध राजा के राज्य की राजधानी थी। थानेश्वर आपका किसने बसवाया था, ये बसवाया था दोस्तों हर्षवर्धन ने, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा हर्षवर्धन के नाम से सुनते ही थानेश्वर आपको याद आ जाता है, तो ये कुरुक्षेत्र ज़िले में है और हर्षवर्धन का जो कार्यकाल था वो आपका 590 से लेकर 647 तक था, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं। और जो हर्षवर्धन के शासनकाल का इतिहास है वो चीनी यात्री एक हेनसांग थे, चीनी यात्री और बाणभट्ट, ठीक है, द्वारा रचित ग्रंथों में मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को प्रभावित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। तलछट, तो तलछट को प्रभावित करने वाली है आपकी गंगा दोस्तों, ठीक है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी जो हैं ये भी तलछट प्रभावित किए जाते हैं, किंतु इनकी मात्रा गंगा के तलछटों से कम है, इसलिए ठीक है गंगा यहाँ पे सही हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं वो आप PDF में देख के सोल्व कर लें, PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, ठीक है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है। हैनले तो इसमें है दोस्तों 83वां, ठीक है। और इसमें जो टॉप हैं सबसे ऊपर जो है प्रथम स्थान पे वो कौन है, जापान और सिंगापुर, ठीक है, दोनों ही प्रथम हैं जापान और सिंगापुर। हरियाणा राज्य की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो लगभग कितनी है, तो ये आपकी दोस्तों 40 से 60 सेंटीमीटर, ठीक है। हरियाणा राज्य में वर्षा ऋतु की समय बात करें जुलाई से लेकर सितंबर तक औसत वर्षा कितनी होती है, 30 से 110 सेंटीमीटर दोस्तों, ठीक है, 30 से लेकर 110। समुद्र से दूर होने के कारण हरियाणा जो राज्य है उसकी जलवायु आपकी कैसी है, उपोष्ण कटिबंधीय है, ये भी पूछ लेते हैं। और शुष्क महाद्वीपीय है, ठीक है, शुष्क महाद्वीपीय है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, खालिस्तान का वह एरिया है जो प्रोसेस होने वाले डेटा को अस्थायी रूप से होल्ड करता है। अस्थायी रूप से होल्ड करेगा आपका मेमोरी, ठीक है, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो किसी भी कंप्यूटर के उन अवयवों साधनों तथा रिकॉर्ड करने वाले माध्यमों को कहा जाता है जिनमें प्रोसेसिंग में उपयोग किए जाने वाले डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर किया जाए, उसको बोलते हैं मेमोरी। कोटला झील आपकी कहाँ पर, मेवात में है दोस्तों, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में कहाँ की थी, इन्होंने की थी बम्बई के अंदर दोस्तों, ठीक है, बम्बई के अंदर 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। और 1873 में इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पे बनाया गया, लाहौर बनाया गया दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इन्होंने 1874 ईस्वी में एक रचना भी की जिसका नाम क्या था, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने एक शुद्धि आंदोलन भी चलाया था जिसमें ईसाई बने हिंदुओं को वापस उनकी संस्कृति में लाया गया, ठीक है। और बात करें दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम, तो ये क्या था, इनका मूल शंकर इनको बोलते थे, मूल शंकर, ठीक है। उसके बाद द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, इसके लेखक आपके ऑप्शन बी
फासी एस नरीमन, ठीक है। उसके बाद चाय पर लाल कीट यानी रेड रस्ट जो होता है निम्नलिखित में से किसके कारण आता है? चाय का लाल रंग आता है हरी शैवाल के कारण दोस्तों, ठीक है। जो चाय पर लाल कीट रोग है वो प्रमुख कारण हरी शैवाल है। चाय पर शैवाल की जो सिफ्यूलरस नामक प्रजाति पाई जाती है यह शैवाल चाय पर परजीवी होता है, ठीक है। हरियाणा राज्य भारत के किस क्षेत्र में आता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं बार बार, तो उत्तर पश्चिम में आता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद 18वीं शताब्दी के दौरान महेंद्रगढ़ जिले का कौन सा शहर जयपुर राज्य का एक भाग था? कौन सा शहर था? यह था आपका नारनौल दोस्तों, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद नारनौल पर जयपुर के राजपूतों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन वे अधिक दिन तक नहीं रह सके। फ्रांसीसी जनरल जो थे डे बोएगन ने राजपूतों को हराकर नारनौल पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद हरियाणा का कौन सा शहर छोटी काशी के नाम, छोटी काशी आपकी भिवानी है, वारी रोज जिसको हम बोलते हैं, बार बार आपने सुना भी होगा, और नवग्रह जो कुंड है उनके हिसाब से आपकी छोटी काशी कौन सी हो जाएगी? कैथल हो जाएगी दोस्तों, ये भी पूछ लेते हैं, नवग्रह कुंड के हिसाब से कैथल। विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाया जाता है? विटामिन सी आपका पाया जाता है सबसे अधिक आंवला में, सी ए ऑप्शन हो जाएगा। एक कंप्यूटर स्क्रीन में एक इमेज की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? ये होती है पिक्सल, ठीक है, बी ऑप्शन। उसके बाद है किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 180 डिग्री अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व को, ठीक है। इसको अगर पार कर लेते हैं तो एक दिन जो आपका जुड़ जाएगा। जब कोई व्यक्ति जो है पश्चिम दिशा में यात्रा करता है ना, इसके हिसाब से पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो उसकी तिथि में एक दिन जोड़ दिया जाता है, और यदि पूर्व की ओर यात्रा करता है तो एक दिन घटा दिया जाता है। मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? कौन सी है? ये आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, बी ऑप्शन। भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान कहाँ पर स्थित है? सबसे बड़ा कैंसर संस्थान आपका झज्जर के अंदर दोस्तों, फरवरी 2019 की बात आई है, 2019 में झज्जर में सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय कैंसर संस्थान है वो स्थापित किया गया। इस संस्थान के जो निदेशक हैं वो कौन है? जी के रथ, ठीक है, जी के रथ जो है इसके निदेशक हैं, याद रखना है, ठीक है। और इस संस्थान में जो प्रोटीन थेरेपी है उसकी भी व्यवस्था की गई है, और यह संस्थान प्रदेश के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ के गृहनगर बादली में बनाया गया है। कहाँ पे? बादली में, और इसे एम्स दिल्ली के द्वारा संचालित किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो ये याद रख लेना। हरियाणा के किस जिले में चलती फिरती जल परीक्षण प्रयोगशाला की शुरुआत अक्टूबर माह में की गई है? तो ये की गई है आपकी करनाल में, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद डाटा परिवर्तन एवं कोड अनुवाद के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार है? कौन सी लेयर है? ये है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है, OSI। OSI क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। तो OSI की छठी लेयर है आपकी प्रेजेंटेशन, ठीक है। यह लेयर डेटा को कंप्यूटर के वांछित कोड में अनुवाद करती है। हरियाणा किस जिले में 1200 मेगावाट का राजीव गांधी थर्मल बाबा प्रोजेक्ट स्थित है? तो ये आपका बनाया गया है कहाँ पे? खेदड़ के अंदर, हिसार में, ठीक है। और इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी दोस्तों? 2010 में की गई थी, ये याद रखना होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल होता है? तो कौन सा होता है? ये होगा आपका U-235 दोस्तों, ठीक है। परमाणु विद्युत उत्पादन के जो कार्यान्वयन की दृष्टि से परमाणु विद्युत बोर्ड के स्थान पर वर्ष 1987 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? तो कौन सा कारण है? पारिस्थितिकी संतुलन के लिए दोस्तों। डेंगू किससे फैलता है? तो डेंगू का कारण आपका पता है क्या है? मच्छर है, ठीक है, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। दूसरे शब्दों में बात करें तो एडीज डेंगू का वाहक है। कौन है? एडीज, जो कि डेंगू के विषाणु को मनुष्य के शरीर में काटने के दौरान छोड़ देता है। मांसपेशियों एवं संधियों में जकड़न डेंगू का मुख्य लक्षण होता है, ठीक है। सुनीता शर्मा और निर्मल गुलिया किस खेल से संबंधित हैं? कौन से खेल से हैं? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, जिम्नास्टिक से। उसके बाद है राष्ट्रीय राजमार्ग NH10, जिसको पहले NH9 बोलते थे, ठीक है, अब क्या कर दिया उसका नाम NH10,
जो कि दिल्ली से फिरोजपुर जाता है, हरियाणा के सभी जिलों से निकलता है सिवाय किसको छोड़ करके, तो भिवानी को छोड़ करके दोस्तों। सिरसा, हिसार, रोहतक इसके ऊपर आते हैं, भिवानी नहीं आता, ठीक है। काली मौत किसे कहते हैं? काली मौत, काली मौत बोलते हैं दोस्तों प्लेग को, बी ऑप्शन हो जाएगा प्लेग, ठीक है। विश्व की सबसे प्राचीन महामारी है प्लेग, ठीक है। इसको अलग नामों से भी जानते हैं, क्या क्या बोलते हैं, एक तो ताउन बोलते हैं दोस्तों, याद रखना ताउन। दूसरा बोलते हैं ब्लैक डेथ, यानी कि काली मौत, ब्लैक डेथ इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इसको। और एक बोलते हैं पेस्ट, ठीक है, पेस्ट, ये नाम भी आपको मिल सकता है। तो तीनों नाम किसके हैं? प्लेग के हैं, याद रखना। कॉफ़ी में कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है? कॉफ़ी में पाया जाता है आपका कैफीन, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा कैफीन। और यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के लिए उत्तेजक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। इससे जैसे ही कुछ करने से पहले अगर ये ले लेते हैं कैफीन, तो उसमें ऊर्जा थोड़ी ही ज़्यादा आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? ये आपका कहाँ पे हो जाएगा? ऑप्शन ए है कुरुक्षेत्र, बोरसेदान केंद्र है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी आपने ये बताना है, आज का क्वेश्चन है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की स्थापना हरियाणा में कब की गई थी? दो एस्मान लैंड नेटवर्क को जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? किसका प्रयोग करते हैं? ये करते हैं दोस्तों गेटवे का। गेटवे एक ऐसी नेटवर्क डिवाइस है जिसका प्रयोग दो विभिन्न प्रोटोकॉल को जोड़ने के लिए, जो नेटवर्क प्रोटोकॉल है उनको जोड़ने के लिए किया जाता है। अनुवांशिक अभियांत्रिकी के माध्यम से उत्पादित प्रथम वाणिज्यिक उत्पाद कौन सा है? ये हो जाएगा इंसुलिन, सी ऑप्शन। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन सा उत्खनन स्थल सही सुमेलित है? ये हो जाएगा मित्ताथल, भिवानी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो अवशेष हैं वो 5000 साल पुराने मिले हैं। बिल्ट पेपर मिल हमने बताया था आपको कहाँ पे है, यमुनानगर में। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे कैसे रिपीट होते हैं तो इनको याद रखना होता है। चौधरी चरण सिंह कृषि विद्यालय की स्थापना ये भी काफ़ी बार करवा चुके हैं, 1970 में हुई थी दोस्तों, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक अदिश राशि नहीं है? तो अदिश राशि की बात करें यहाँ पे, देखिए सबसे पहले तो ये जान लें कि सदिश और अदिश होता क्या है। तो अदिश क्या होता है, देखिए वे राशियाँ जिनमें केवल परिणाम तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती, ठीक है, परिणाम होता है दिशा नहीं होती। तो कौन कौन सी, यहाँ पे देखिए समय, आयतन, घनत्व, द्रव्यमान, चाल, कार्य, विद्युत धारा, ये सारी क्या हैं? अदिश हैं। और जो सदिश होंगी तो उसमें क्या होगा, जो आपका परिणाम है उसमें दिशा होती है लेकिन परिणाम नहीं होता, ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा संवेग, आपकी संवेग क्या है, एक अदिश राशि है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र HBRC बोलते हैं, जो कि न्यूरोविज्ञान और शिक्षा को समर्पित है, कहाँ पे है? ये मानेसर केंद्र है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हरियाणा साहित्य संगम का प्रथम जो संस्करण है वो किस शहर में संपन्न किया गया? ये किया गया आपका रोहतक के अंदर, ठीक है, हरियाणा, एक सेकंड दोस्तों, रोहतक नहीं, सॉरी, पंचकुला, पंचकुला के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनमें होकर वे बह रही हैं। तो बात करें यहाँ पे, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, देखिए रोटरडम, रोटरडम आपकी बहती है राइन नदी, ठीक है। पेरिस, पेरिस में बहती है आपकी सीन, ठीक है। बुडापेस्ट, बुडापेस्ट में डेन्यूब नदी है, ठीक है। और वाशिंगटन, वाशिंगटन में आपकी पोटोमैक, तो ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु की 37 गति से होने वाले उष्मा के अंतरण को कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलते हैं अभिवहन, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र के लिए आपका कौन सा है दोस्तों? भिवानी है, सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से किन्हें ईमेल के लाभ माना जाता है? ईमेल के लाभ क्या हैं? ईमेल के लाभ हैं सुविधा, डिलीवरी की स्पीड, जनरलिटी और रिलेटिविटी, ठीक है, रिलायबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट है, राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे स्थित है? ये हो जाएगा वो खेदड़, हिसार के अंदर, अभी पीछे करवा चुके हैं। कंप्यूटर में सूचना के प्रत्येक करेक्टर के लिए कितने बिटों का इस्तेमाल होता है? प्रत्येक सूचना के लिए होता है 8 बिट का इस्तेमाल।
डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कौन से सिद्धांत पर करता है? ध्वनि का परावर्तन के ऊपर। हवासिंग ने वर्ष 1966 और वर्ष 1970 के लगातार एशियन खेलों में स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से किस खेल में जीता है? यह जीता आपका मुक्केबाजी में दोस्तों, बी ऑप्शन हो जाएगा। खालिस्तान एक माइक्रोप्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस है, कौन सा हो जाएगा? पर्सनल कंप्यूटर, पीसी जिसको हम बोलते हैं। जनवरी 2022 को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस वर्ष कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किए गए? कितने व्यक्तियों को दिए गए? 4 व्यक्तियों को, ठीक है। तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो तंबाकू में होता है आपका निकोटीन। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पहले कौन सी घटना घटी थी? इनमें से सबसे पहले घटी थी आपकी एकीकृत चिप का अन्वेषण किया जाना। जनवरी 2022 में जारी फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत वनों का विस्तार है? तो भारत में है ये 24.62%। निम्न में से कौन सर्वाधिक बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं? हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ये रह चुके हैं हरमिंदर सिंह चड्डा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हरियाणा का काला सोना कौन है? तो मुर्रा जो भैंस है ये हरियाणा का काला सोना है। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? ये हुई थी आपकी 1970 के अंदर, ठीक है। पांडुप्रस्थ, निम्न में से किन जिलों का प्राचीन नाम है? तो पानीपत का नाम है ये पांडुप्रस्थ, ठीक है। ये क्रम सही मिलाना आपने, सबसे पहले कौन होगा फिर उसके बाद कौन, तो बात करें सबसे पहले तो भ्रूण होगा पेट में, उसके बाद नवजात होगा, नवजात के बाद क्या होगा? शिशु होगा, शिशु के बाद क्या बनेगा? बालक। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो पवन की जो गति है वो आपकी एनीमोमीटर से मापी जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, हरियाणा का रेवाड़ी जिला भारत में निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? रेवाड़ी जिला है, देखिए पीतल के बर्तन का उद्योग भी है, तिल्ला जूता उद्योग भी है, हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग भी है, तो ये जगह उपरोक्त सभी। हरियाणा की विधानसभा संविधान की किस अनुसूची में शामिल विषयों पर कानून पारित करती है? तो ये करती है आपकी 7वीं अनुसूची में, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। पहले इलेक्ट्रिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? पहला जो कंप्यूटर था उसमें आपका सिर्फ क्या था? वाल्व था। ओटो हन ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की थी, कौन से सिद्धांत पे? यूरेनियम विखंडन के आधार पे, ये ऑप्शन हो जाएगा। किसे हरियाणा का शेक्सपियर बोलते हैं? तो हरियाणा का शेक्सपियर है पंडित लक्ष्मीचंद, ठीक है। दादा लक्ष्मी के नाम से फिल्म आई थी, काफ़ी अच्छी फिल्म थी, नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख लें। उसके बाद लेजर किरणों की मदद से प्रिंटिंग करने वाला प्रिंटर क्या कहलाता है? तो उसको बोलेंगे लेजर प्रिंट, लेजर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है दोस्तों। 80 का, अच्छा लेजर वाला था, लेजर वाला तो होगा आपका लेजर प्रिंटर, ठीक है, ये ऑप्शन। लेजर किरणों से तो लेजर प्रिंटर ही करेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, थॉमस कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप आपका बैडमिंटन से दोस्तों। हरियाणा राज्य के करीब 300 मील दूर उत्तर में स्थित है, क्या स्थित है? कल भी आया था ये क्वेश्चन, करक रेखा, ठीक है, क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। निम्न में से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट करके इस क्वेश्चन का भी आंसर जरूर दें। 83 लिख के उसके आगे जिले का नाम लिख दीजिए, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के प्रेरी हैं कौन है? ये हैं शीतोष्ण घास स्थल। बी लसीकाणु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? इसको बोलेंगे तरल प्रतिरक्षा। चाय में कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है? चाय में पाया जाता है आपका एल्थिनाइन, ठीक है। ई कॉमर्स कंपनियां जो हैं वो क्या करेंगी? इंटरनेट पर बिजनेस करती हैं। कॉफ़ी जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? कॉफ़ी होती है दोस्तों बीज से। वह स्थान कौन सा जहाँ विश्व का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज स्थित है? तो कहाँ पे है? बीजापुर में दोस्तों। हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? हल्दी में पीला रंग होता है आपका कुरकुमिन के कारण। रोंगली स्पेल्ट जो वो आपने यहाँ पे बताना है, तो बात करें ऑप्शन बी की, फ्रीक्वेंसी FREQUENCY, ठीक है, तो ये गलत है, फ्रीक्वेंसी की FREE आएगा, आई की जगह, ठीक है। उसके बाद है पैसिव एक्टिव वॉइस है, एवरीवन मस्ट रीड द बुक, रीड दिस बुक, तो क्या हो जाएगा? दिस बुक मस्ट बी रीड बाय एवरीवन।
उसके बाद है अंडरलाइन वर्ड का आपने बताना आइडियल का, ही वॉज जस्ट आइडियल बाय द टेम्परामेंट, तो इसमें क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियस, सी ऑप्शन हो जाएगा, अपोजिट बताना था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने ए प्रोफेशनल सोल्जर हेयर्ड टू सर्व इन ए फॉरेन आर्मी, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या बताना है, एडम्स बताना है, सम शॉट्स वर फायर्ड एट रैंडम, एट रैंडम, तो यहाँ पे एट रैंडम क्या है, ये है आपका ऑप्शन ए विदाउट एनी एम, ठीक है। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग बताना है कौन से शब्द में हो जाएगा, विभाव में हो जाएगा, विभाव। लाल दे लाल लीला से में मुख्यतः कौन सा अलंकार है, बार बार एक पद की आवृत्ति हो रही है, तो ये हो जाएगा अनुप्रास, ले ले बार बार आ रहा है ना। निम्न में से कौन सा मुहावरा है, तो कौन सा हो जाएगा इनमें से, आग लगाना, ठीक है। नील कमल में कौन सा समास है, नीला है जो कमल, तो कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय है। इनमें से कौन सा काव्य गुण नहीं है, कौन सा नहीं है, डी ऑप्शन तेज, ठीक है। ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, इतना टाइम निकाले हैं, तो आप प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है दोस्तों। और आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए तहे दिल से